दुनिया के सफल लोग, अमीर लोग क्यों सुबह उठते हैं? क्या है वो मैजिक और क्या है वो तिलिस्म सुबह 4 बजे उठने का? कुछ तो ऐसा होगा कि ये सबसे सफल लोग इतनी जल्दी उठते हैं, जिनमें बाबा रामदेव, स्टीव जॉब्स, अक्षय कुमार और बहुत सारे, जितने भी आप सुपर सक्सेसफुल लोगों का नाम लेंगे तो आप एक कॉमन क्वालिटीज उनमें देखेंगे कि वो ज़्यादातर अर्ली राइजर्स हैं। आइए देखते हैं इस अर्ली राइजिंग का एक ऐसा कुछ मंत्र जिससे इसको करके वो लोग उस अपार सफलता को प्राप्त करते हैं जिससे नॉर्मल आदमी बहुत दूर रहता है। क्या उस समय कुछ ब्रेन की ऐसी साइंस है जो इन लोगों को बहुत सफल बनाती है, या फिर इनको पता चल गया है कि कुदरत का खजाना कब लुटता है? कुछ तो ऐसा है जो इनको कंपेल करता है सुबह जल्दी उठने के लिए, और इन्होंने अपने जीवन में उसको आदत बना लिया है और ये अपार सफलता को एंजॉय करते जा रहे हैं। मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपनी फैमिली में, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए दोस्तों, मैं केवल आपको 3 रीजंस बताऊंगा, ऐसे 3 सीक्रेट्स बताऊंगा जो इनको बिलियनर बनाते हैं, जो इनको सबसे सफल बनाते हैं। नंबर 1, सुबह 4 बजे जब आप उठते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुले होते हैं, क्योंकि उस समय माइंड में कोई भी थॉट नहीं चल रहा होता है। आपका माइंड अल्फा और थीटा, ये वो स्टेट है जहाँ पे आपके जो माइंड की जो साइकिल्स है वो 8 से 10 साइकिल्स पर सेकंड होती है। इसका मतलब ये है आप ऑलमोस्ट थॉटलेस स्थिति में होते हैं, और जब थॉटलेस स्थिति में होते हैं तो जो भी आप ब्रेन को कमांड देते हैं वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और सबकॉन्शियस माइंड उसको पूरा करके देता है। नंबर 2, ये वो समय है जब आप अपने माइंड से कुछ ऐसा कम्युनिकेट करते हैं कि बाकी लोग सोए हुए हैं और आप लोग जगे हुए हैं। जब आप सोए हुए हैं तो एक बात तो निश्चित है कि उस समय कुछ काम नहीं हो रहा है, और जब काम नहीं हो रहा है तो रिजल्ट्स भी नहीं होंगे। सुबह उस टाइम पर उठकर, जो एक एबनॉर्मल टाइम है, जो नॉर्मल मासेस कभी नहीं करते हैं, तो आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो केवल 2% लोग करते हैं और 98% लोग नहीं करते हैं। तो आपने एक ऐसा काम कर दिया जो मासेस नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर है आपकी एक्टिविटीज़, आपके बिहेवियर्स आपको उन 2% लोगों में लाकर खड़ा कर देते हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। आपने अपने माइंड को वो कम्युनिकेट कर दिया जब बाकी लोग सो रहे हैं, और आप उस टाइम पर अपनी लाइफ के लिए प्लान कर रहे हैं, नए थॉट्स को प्लांटिंग कर रहे हैं, और अब अपने माइंड को बता दिया कि ये वो समय है कि जो आपने अपने माइंड को इस समय पर बोला, विजुलाइज किया, वो अब आपकी लाइफ में 100% सही होने वाला है। तीसरी दोस्तों, ये समय है हमारे भारतीय वेदों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त, मुहूर्त का मतलब होता है शुभ। ये वो समय है जब डिवाइनिटी आपके दरवाजे पर खड़ी होती है। आप ऐसे शुद्ध समय में होते हैं जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है। डिवाइनिटी का ये सबसे एनर्जी का पावरफुल टाइम है जो आपके सारे बॉडी के उस नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है कि जो आप अच्छे थॉट क्रिएट कर पाते हैं, अच्छे समय पर किया गया काम, शुभ काम, सोचा हुआ काम, वो आपके जीवन में 100% होता है। तो ये वो समय है ब्रह्म रिचुअल्स का। ब्रह्म का मतलब है डिवाइनिटी, और ब्रह्म का मतलब एक क्रिएटर भी है। और जब क्रिएटर के टाइम पे आप उठ रहे हैं तो आप क्रिएशन कर रहे हैं, तो एक गुरु मंत्र गांठ में बांध लीजिए, ये क्रिएटर का टाइम है, क्रिएशन का टाइम है। जो थॉट आप इस समय पर सोचेंगे अपने लिए, वो आपके जीवन में 100% पूर्ण होंगे। और ये जो इमेजिनेशन और विजुलाइजेशन का टाइम आपका सुबह है, ये आपको वो विश्वास दिलाता है कि जो आपने थॉट अब सोचा है, ये आपके जीवन को रूपांतरण करने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है। दोस्तों, इस तरह से इस समय की आप वैल्यू करिए। जो आपके पास समय है, जो आपके हाथ में है, उसका आप सदुपयोग करिए, एंड लाइफ विल चेंज एंड नेवर बी सेम अगेन। ये दोस्तों, ये जो रिचुअल्स हैं, ये जो तरीके हैं, ये दुनिया के सबसे सफल लोगों के हैं, सबसे कामयाब लोगों के लोग
के ये रिचुअल्स हैं, ये बिलियनर्स हैं, ये मिलियनर्स हैं और ये दुनिया के सबसे सफल लोग हैं। ये सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी उठने के बाद इनके जीवन में वो टॉन शुरू हो जाता है, वो ट्यूनिंग शुरू हो जाती है मॉर्निंग से। और जब ये इस समय पे जो प्लान करते हैं तो दिन में एक रॉक स्टार की तरह उन प्लानिंग को वो पूरा करते हैं, इंजॉय करते हैं और जीवन में वो सब काम करते हैं जो 98% तो सोचते ही नहीं है। इसलिए ये 2% लोग हैं जो दुनिया को लीड कर रहे हैं और बेस्ट लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जस्ट फॉलो दिस रिचुअल्स, लाइफ विल चेंज एंड नेवर बी सेम अगेन। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।